नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, हरियाणा में राजनीतिक समीकरण जो है नित्य प्रतिदिन कुछ नए रूप लेते नजर आ रहे हैं। अभी बात करेंगे गठबंधन की। अभी हरियाणा में जो है चुनाव की जो गठबंधन देखने को मिल रहे हैं उसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टियां साथ आती नजर आ रही है। वहीं भाजपा के साथ हिलोपा और जनशक्ति पार्टी जो है वो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं और ऑलरेडी के साथ इसके जो गठबंधन की चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो इसमें बसपा जो है वो इनेलो के साथ और जेजेपी जो है वो एएफपी जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है उसके साथ गठबंधन करती नजर आ रही है। ये गठबंधन क्या समीकरण बिठाएगा हरियाणा की विधानसभा चुनाव में, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ और अर्थ प्रकाश टीवी के चीफ रिपोर्टर डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा हैं। उनसे बात करते हैं कि ये गठबंधन की जो राजनीति है ये नए क्या समीकरण दिखाएगी इन विधानसभा चुनाव में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार राजेंद्र जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने अब तक बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा की जिसका दर्शकों की तरफ से हमें भरपूर जो है रिस्पांस मिल रहा है। अब तक जिन टॉपिक्स पे बात हमने की है वो टॉपिक्स पे जो भी अब तक आपने हमें विश्लेषण दिया है वो काफी हद तक स्टीक रहा है। लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं कि आप लोगों का जो विश्लेषण है वो काफी स्टीक होता है, उस विश्लेषण के बारे में आपकी जो राय होती है बहुत सही होती है। डॉक्टर साहब, आज जो चर्चा का विषय है बड़ा हॉट विषय है चर्चा का, मैं ये जानना चाहता हूं कि हरियाणा में चाहे वो नेशनल पार्टियां हैं चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आज सभी पार्टियां जो है गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। ये गठबंधन क्या है और क्यों जरूरी हो जाता है राजनीतिक पार्टियों के लिए? ऐसे राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे विश्लेषण को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। सभी दर्शकों का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद, अर्थ प्रकाश टीवी का भी धन्यवाद। और आपने जो दूसरा प्रश्न किया है गठबंधन राजनीति का आज की डेट में एक अहम कड़ी बन चुका है। गठबंधन का मतलब ये होता है कि समान विचारधारा वाली पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, एक गठबंधन ये है। हाँ। दूसरा गठबंधन ये होता है कि हमने जादुई आंकड़ा हासिल करना है। और रही बात हरियाणा की, हरियाणा में सदियों से तोड़फोड़ रही है जी। आप पिछला हरियाणा का इतिहास निकाल लीजिए जी। तोड़फोड़ रही है। अब जो गठबंधन है, अब इसको इसके बारे में आपको बताता हूं कि अब हम नेशनल पार्टीज के जरिए चलते हैं, एक तरतीब बाई समझाऊंगा आपको। हाँ, हाँ, अच्छे तरीके से प्लीज देखिए, जो ये गठबंधन हो रहे हैं, अब गठबंधन हम शुरू करेंगे 2019 से, वहां शुरू करते हैं ठीक है जी। जैसे सबको पता है जननायक जनता पार्टी चुनाव से पहले बीजेपी के ऑपोजिट लड़ी थी इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लड़ी थी। उसका जो बोर्ड कैडर वो था कि जो बीजेपी को चाहता नहीं था कि सरकार में आई। बिल्कुल ठीक है, ये हम वो आंकड़े कर रहे हैं। सहमत ये वो आंकड़े कर रहे हैं जो पीछे हुआ है। सहमत, अगर हमें आगे जाना तो हमें पिछली कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। आपके इस सवाल से, इस जवाब से एक सवाल मेरे मन में आया, मैं आके आने वाला करना हूं। जब ये गठबंधन नहीं था, सरकार आ गई, अब जो गठबंधन है इसको चुनावियों को भी देखना चाहिए। गठबंधन वो होना चाहिए चुनाव से पहले हो, जनता को एक पिक्चर क्लियर हो जाए। यस, लेकिन जो बगैर पिक्चर क्लियर हुई चुनाव के परिणाम के बाद होता है वो हॉरिबल होता है जनता के लिए। उसके लिए पार्टियां कैडर भी जुड़ता है, एक जो विश्वास और वो जो है गठबंधन वो लोकतंत्र के लिए हानिकारक भी है। कहीं ना कहीं वो जो आपके वोटर होते हैं उनके साथ विश्वास, क्योंकि हर पार्टी का फर्ज बनता है, राजनीतिक पार्टी का कैडर होता है। बिल्कुल ठीक है, हर राजनीतिक पार्टी का ये फर्ज होता है पहले देश के प्रति, ये देश के प्रति लड़ रहे हैं, कि वो अपने मतदाता को एक पिक्चर क्लियर करके आगे लेके जाए। वो चुनाव से पहले वाला गठबंधन अगर सरकार नहीं भी लेकर आएगा लोगों को पता होगा ना, लेकिन चुनाव के बाद वाला गठबंधन ये आप बताइए कहां तक उचित। आप, मैं आपसे बात पूछता हूं, आपने मान लो वोट डाल दी जी, जजपा को वोट डाल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने वोट इसलिए डाली कि हमने रूलिंग पार्टी को नहीं लेकर आना जी 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 ठीक है। और उसके बाद
आपकी वोट ही कंफ्यूज, एंड में वो फिर समझौता कर ले तो मतदाता कहां जाएगा? तो डेमोक्रेसी कहां पर है? इसके लिए चुनाव आयोग को ये करना चाहिए। लोकसभा चुनाव जो हुए थे ना, लोकसभा नहीं, विधानसभा, उसमें भी मैंने ये सवाल उठाया था कि गठबंधन जो है, आपने कहा कि वैचारिक समानता की बात की है कि उन पार्टियों के साथ, लेकिन यहाँ वैचारिक समानता वाली तो बात ही खत्म हो जाती है। यहाँ तो पर्सनल जो उनका फायदा है, पार्टियां वो लेने की कोशिश करते हैं गठबंधन के थ्रू। कहीं ना कहीं जो मेरी सोच है, मुझे जो लगता है कि यहाँ सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने वोटर के साथ कहीं ना कहीं वो लोग धोखा कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको तरतीब समझाता हूँ जी, हो गया, और आपको नहीं पता। देखो, हम सबका फर्ज ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जनता को एक पिक्चर क्लियर करे, समान विचारधारा के साथ गठबंधन हो जी, और वो गठबंधन हमेशा चले। ये ना हो कि एक स्टेट में गठबंधन हो गया, दूसरी स्टेट में गठबंधन ना हो, ये भी वोटरों के साथ धोखा है। कभी भी डेमोक्रेसी, स्वच्छ जो डेमोक्रेसी है, उसके अंदर वोटरों को पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूं, आपको मैंने बताया कि वोट डाल दी, आपको खुद ही नहीं पता वोट कहां गई मेरी, इससे क्या ड्रॉबैक होता है? मैं आपको बताता हूं, ड्रॉबैक बताता हूं, पार्टियों के लिए ड्रॉबैक नहीं है, यह चुनाव आयोग के लिए चुनौती है। क्योंकि अगर ऐसे गठबंधन होते रहे तो चुनाव की परसेंटेज धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, जो हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। लोग आप देखना, आधे लोग जो गुड़गांव की तरफ है, जो मल्टी लेवल कंपनियों में काम कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल कंपनियों में, तो वो बच्चे वो कर नहीं रहे, वो कह रहे हमें पता नहीं हमारी वोट हम किसको डालेंगे, कल को वोट कहां जाती है, तो डेमोक्रेसी कहां रही? ये हो रही वाला है। आज जो वोटर है वो भी एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, उसे समझ आ रहा है कि इस चीज का हमें कहां नुकसान हो रहा है। तो डेफिनेटली जो लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों का जो उसमें एक विश्वास होता है, हाँ, वो खत्म हो जाएगा। ये अच्छा सुनो, वोट डालना ये नहीं आप किसी पार्टी को डाल रहे हो, आप नेशन का बिल्ड कर रहे हो, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो मतदाता को पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको गठबंधन की बात बताता हूं, अब आप ही आंसर भी दोगे, कांग्रेस का गठबंधन आपसे हो रहा है जी? बिल्कुल हो रहा है। आपकी उत्पत्ति कहां से हुई थी पार्टी की, अब बताइए? लोकपाल बिल जब शुरू हुआ था, अन्ना हजारे के आंदोलन हुआ, उस मूवमेंट से हुआ था, उसके बाद आपकी केजरीवाल उनके अन्ना हजारे के साथ उत्पत्ति हुई। बिल्कुल, लोकपाल के समय में केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। तो इसका मतलब ये आंदोलन और जो आपका जो ओरिजिन है, वो आंदोलन पार्टी के विरुद्ध था ना, या फिर वो आंदोलन गलत था, या फिर वो आंदोलन गलत था अगर गठबंधन कर रहे हैं तो? ये बताइए, तो जिस पार्टी की उत्पत्ति कांग्रेस के एक आक्रोश, एक विद्रोह के कारण हुई है, ठीक है, वो आज गठबंधन कर रही है, तो आप बताइए यहां पर नीतियां कहां पर आ गई हैं? यहां पर केजरीवाल जी तो है, लेकिन अन्ना हजारे जी की नीतियां कहां पर है? बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, जनशक्ति पार्टी जो है विनोद शर्मा जी की। अभी मैं विनोद शर्मा एक मिनट में आपकी बात कर रहा हूं, यही से सुनिए मेरी बात सुनिए। विनोद शर्मा जो है वो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं किसी समय में, उनके फादर साहब भी कांग्रेस के लीडर रहे हैं, और जनशक्ति पार्टी जो है आज उसका विलय जो है, आज उसका जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के पास। इवन उनकी जो पत्नी है शक्ति रानी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उनको कालका से टिकट मिली है। उनका बेटा जो है वो जनशक्ति पार्टी से जीतने के बाद वो राज्यसभा मेंबर है। तो कार्तिक इंडिपेंडेंट बना है जी, आपको क्लियर कर दूं जी, वो अपनी पार्टी से इंडिपेंडेंट, चलो इंडिपेंडेंट लड़े। और रही बात विनोद शर्मा जी की, बात विनोद शर्मा जी आज भी वो कह रहे हैं कि मैं अगर लड़ा बाला शहर से तो उनकी जो पार्टी उससे लड़ूंगा मैं, आपको बता दूं। देखिए बात आती है कि यहाँ हर आदमी अपना जो है, जो जिसको कहते हैं स्वार्थ, वो शोधने में लगा हुआ है। एक ही मकसद है, 46 तक कैसे पहुंचना है। डॉक्टर आपकी बात बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे लड़ता हूं तो मैं अपनी जनशक्ति पार्टी से लड़ूंगा। उनकी जो पत्नी वो जनशक्ति पार्टी से मेयर थी अंबाला में, अच्छा अंबाला में मेयर थी, चलो इंडिपेंडेंट थी या जनशक्ति पार्टी है, कहीं से भी थी वो मेयर थी, भारतीय जनता पार्टी में
नहीं थी। जब ये लिस्ट आनी थी, लिस्ट आने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती है, किसी ना किसी समझौते के तहत ये चीजें होती हैं और उनको कालका से टिकट भी मिलती है। उनका बेटा इंडिपेंडेंट लड़ता है या पार्टी से लड़ता है, उसके बाद इंडिपेंडेंट लड़ता है उसके बाद राज्यसभा का मेंबर उसको बना दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी से। और जो परिवार का हेड है, मुखिया है, वो कहता है कि मैं जनशक्ति पार्टी से लड़ूंगा और बाहर से बाद में आपको समर्थन दे दूंगा। तो ये क्या मायने इन सब चीजों के? इस देखिए, इसके दो, ये दो पिक्चर्स हैं जी। हाँ, दो, एक है कि हिंदुस्तान में सभी इंसान आजाद है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आप अपनी पत्नी को ये कह सकते हो कि वोट डाल दो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपने इसी पार्टी को वोट डालनी है, ठीक है, उसको भी उतना अधिकार है, ठीक है। अब बात आती है आपकी प्रश्न की। कार्तिक इंडिपेंडेंट लड़ा, ठीक है, आप विधानसभा की कार्यशैली निकाल लीजिए। मैं सहमत हूँ आपके साथ, सहमत हूँ। अब हो सकता है कहीं कुछ जगह पे मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। मैं तो अगर मैं कोई ये बात करते हो, डिस्कशन करते हो, मुझसे कोई शब्द या कोई भी बात जिसकी हो सकता है उस समय पे मैं ना सोच समझ के बोल पाऊं और मुझसे कोई किसी बात कोई गलत बोली जाती है, तो मैं अपने दर्शकों से उस चीज के लिए क्षमा भी चाहता हूँ जी। अच्छा, और उसके बाद विनोद, अच्छा ये बताइए, जो विनोद शर्मा जी की पार्टी थी वो किसने बनाई थी? आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल, पार्टी का संस्थापक वहीं पर खड़ा है। पार्टी तो नहीं ली, पार्टी के वर्कर गए हैं, वर्कर गए हैं, नेता गए हैं। अगले साल छोड़ो, ये हमारे चर्चा के विषय नहीं है। उसके बाद शक्ति रानी की बात कही आपने। देखिए, जब भी हम कभी बाजार में जाते हैं हम अच्छी चीज लेते हैं। अब वही आंकड़ा 46, साम दाम दंड भेद 46 तक पहुंचना, हमने नीतियां तो साइड पर हट गई सारी। अब शक्ति रानी का जो इतिहास देखो, विनोद शर्मा जी ने इंडिपेंडेंट अपने लड़के को राज्यसभा का मेंबर बनाया, इसका मतलब समझ रहे हो? एक शख्स ने पूरी विधानसभा घुमा दी, 90 एमएलए को ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, इसका मतलब उनका दिमाग बहुत तेज है। बिल्कुल, देखिए उसे प्रमाणित किया। अब जो किसी बीजेपी हाईकमान को अच्छी चीज मिल रही है, आपने देखा ना था अच्छी चीज, हम ये क्यों ले, आती ऐड आती थी ना, मोरिंडी की आती थी, बचपन में देखी थी, तो उनको अच्छा कैंडिडेट मिल गया, उन्होंने शक्ति शर्मा जी को टिकट दे दी। इसमें क्या बताइए, बताइए। अच्छा चलो, गठबंधन की बात है। हाँ, गठबंधन, क्योंकि हमारा जो बेसिकली आज का डिस्कशन का मुद्दा है वो है गठबंधन। आपको क्या लगता है कि जो अभी आपने बात मुझे कही, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात की, इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति आपको क्या लगती है? देखिए, पहले ये बताइए, अगर हम स्वच्छ राजनीति देखें, विदुर की राजनीति कह रहा हूं मैं, हाँ, वो देखें तो वो नीतियों पर आधारित होता है जी। तो ये गठबंधन नीतियों पर आधारित नहीं है। यहां मैं आपको टोकना चाहूंगा, क्योंकि नीतियां इसलिए कहा है क्योंकि इस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, अब उसके साथ देखा जाए। लेकिन अगर जादुई आंकड़ा पकड़ना है उसके लिए फिर इन्होंने ठीक किया। अब मैं आपको बताता हूं इनकी रणनीति जो मुझे समझ आ रही है वो रणनीति क्या हो सकती है। देखिए, रणनीति इस तरह से हो सकती है कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो जातीय समीकरणों को कहीं ना कहीं हासिल करने में कामयाब हुई, जाट वोट और एससी वोट को टारगेट किया और वो सारी की सारी वोट कांग्रेस के खाते में गई, इसलिए जो लोकसभा में दोनों पार्टियों को 5-5 जो सीटें हैं वो मिली। अगर थोड़ा सा और रणनीति बेहतर करते कांग्रेस वाले तो हो सकता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी को 5 भी नहीं मिलती, क्योंकि रणनीति की बात है, जातीय समीकरणों की बात है। यहां पे मैं बात करता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है, आम आदमी पार्टी का जो मतदाता है, वो कहीं ना कहीं वैश्य समाज से, जिसको हम बनिया समाज कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। जो बनिया समाज है वो भारतीय जनता पार्टी का केडर बोर्ड था, पूरा कोर था वो, ठीक है। जब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मतभेद हुए, केजरीवाल का सारा ये एपिसोड हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं बनिया समाज में
नाराजगी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आई और आम आदमी पार्टी के साथ जो व्यापारिक वर्ग था, जो बनिया वर्ग था, वो जुड़ा। कांग्रेस की यहां पे रणनीति जो रहेगी, जाट जो ये है अपना एससी कम्युनिटी है और उसके साथ साथ बनिया कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ने की रणनीति के तहत ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ इनका जो अलायंस है ये यहां पे काम करेगा। तो आपने ये पूरा व्याख्यान किया, ये आपने व्याख्यान किया राजनीतिक मजबूरियों के तहत गठबंधन जी। नीतियां अभी भी उनके दोनों इकट्ठी नहीं है। देखिए अगर नीतियां इकट्ठी होती नीतियों की लोकसभा के बाद ये गठबंधन क्यों टूटता? नीतियों की बात करें, इसका मतलब ये है, इसका मतलब मानना पड़ेगा आपको कि ये जो गठबंधन हो रही है ये जादुई आंकड़ा छूने के लिए हो रही है। ऑब्वियस है, ये वो नहीं है सत्ता को हासिल करने के लिए ये एक मजबूरी है जिसके तहत। आप ये बात छोड़ो, आप मुझे ये बताओ ये समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल लालू जी का है ना वहां पर, तो इनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी बताएं? जयप्रकाश नारायण जी का भोजन हुआ था कांग्रेस के अगेंस्ट। जयप्रकाश नारायण जी एक बहुत सीनियर लीडर थे हिंदुस्तान और जब वो इतने सीनियर थे, मैं आपको बताता हूं जब वो अरेस्ट हुए ना आजादी के समय में, पता क्या स्टेटमेंट आई थी न्यूज़पेपरों में कि कांग्रेस का ब्रेन अरेस्ट हो गया। और जयप्रकाश नारायण ही, हमारे दर्शकों को कुछ शायद ना पता हो, वो ऐसे थे जो एमपी ना होते हुए दोनों सदनों को उन्होंने संबोधित किया था। तो उनके आंदोलन के बाद शरद पवार जी, लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ये आए। राम मनोहर लोहिया जी के नक्शे कदम पर चल रही है पार्टी, समाजवादी पार्टी। जयप्रकाश नारायण जी आज कोई हिंदुस्तान में ये नहीं कह सकता, इतिहास है, लेकिन आज फिर वो कांग्रेस में बैठे डॉक्टर साहब। ये राजनीतिक मजबूरियां हैं और लोकतंत्र में देखिए राजनीतिक मजबूरियां अपनी जगह पे, हम लोग पिछले कुछ एपिसोड्स में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि आज की राजनीति है गठबंधन एथिक्स से परे है। देखिए एथिक की राजनीति तो रही, यही तो क्लेश है, यही तो क्लेश है। वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हो रहा है ये बताइए, क्यों हो रहा है? एथिकल राजनीति खत्म हो गई। आप सुनिए ना, जैसे इलेक्शन है, आप हम बैठे यहां पर डिबेट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं बताइए, आप बताइए, जनता के लिए। बट ऑब्वियस ये जो नेताएं हैं जो लड़ रही है लड़ाई, ये नेता के लिए नहीं लड़ रहे, अवाम के लिए। चुनाव आयोग जो बैठा है वो इसलिए बैठा कि स्वच्छ लोकतंत्र प्रदान किया जाए, अच्छे तरीके से इलेक्शन हो, किसके लिए? जनता के लिए, पब्लिक के लिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी राजनीति में जनता होनी चाहिए, जनता को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये होरिबल है, आने वाले वक्त में देखना वोटिंग सेंटर कम हुई, अगर ये ना ठीक हुए ना 15-20 साल के बाद आपको पता वोटिंग सेंटर कहां जाएगी हिंदुस्तान की, दिख रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, गठबंधन हो गया आप और कांग्रेस का जी, तो पंजाब विधानसभा की स्थिति क्या होगी ये बताइए। हाँ वहां पे बताइए, दोनों अगेंस्ट हैं बिल्कुल ये चीजें। तो फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पंजाब का चुना गया है वो किस संविधान की पोस्ट से चुना गया है? क्या 2.5 करोड़ लोग पंजाब के जो जनता आवाम है, हम एनालाइज कर रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हूं मैं, बिल्कुल क्या 2.5 करोड़ लोग जो पंजाब के 3 करोड़ आबादी है, पंजाब के लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं हुआ इस गठबंधन का? ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां अलायंस कर रहे हैं चंडीगढ़ में इनका अलायंस, तो विधानसभा के अंदर जो हो रहा है, जो ये ड्रामा हो रहा है वो अंडर प्लानिंग हो रहा है, इसका मतलब आप लोगों को मिसलीड कर रहे हो। मैं ये बात ये मानना पड़ेगा, मैं मानता हूं वहां भी गठबंधन गलत है ना, तो विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी को जो ये कहते हैं हम आम लोगों की पार्टी है, रेजोल्यूशन लाकर ये साबित करना पड़ेगा कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो हमारे गठबंधन के साथ है। ये नहीं चलता कि हमने स्टेटों में कर दिया हमारे उससे कोई मतलब नहीं है। और सुनो फिर तो ऐसे तो कल को ये भी हो जाएगा कि हमने स्टेटों में भी नहीं किया जी, जिले लेवल पर किया जी गठबंधन, ये कहां का होरिबल है जी? वेयर इज पॉलिटिक्स, वेयर इज डेमोक्रेसी? इस डेमोक्रेसी के लिए जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना वो ये सोचते हैं कि हमारा हमने देश आजाद कराया इस डेमोक्रेसी के लिए, हमें नेता किस किस स्टेप लेकर जा रहे हैं मैं तो खुद ही नहीं पता। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब इनका मकसद विधानसभा में सिर्फ राजनीति का आज की डेट में मकसद रह गया। अन्ना हजारे जी कहां गए? अन्ना हजारे जी कहां गए सर? अगर पंजाब में इनको स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी। सुनो सुनो सुनो, अन्ना हजारे की भी बात करूं, एक लोकपाल बिल की बात हुई, लोकपाल बिल आया, कितना इंप्लीमेंट हुआ वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और मेरे प्यारे दर्शक भी जानते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज अन्ना हजारे कहां है?
आज वो उठ के क्यों नहीं कहते कि लोकपाल अपना काम क्यों नहीं कर रहा अपने हिसाब से। बात कहने का मतलब डॉक्टर साहब ये है कि ये जो राजनीति आज की रह गई है ये एथिक्स से बहुत परे हो गई है। ये राजनीति स्वार्थ की राजनीति हो गई है, राजनीति सिर्फ सत्ता की राजनीति हो गई है, सेवा नहीं, सेवा वाली तो बात ही खत्म हो गई है, फैशन सत्ता की राजनीति हो गई है। आज मैं अब हम हरियाणा पे दोबारा आते हैं। अच्छा मेरे एक मिनट बात सुनिए जी, आपने कहा कि आज की राजनीति सत्ता पे रह गई है, स्वार्थ पे रह गई जी, पर फैशन बन गए जी, तो हिंदुस्तान के लोग वोट क्यों डालेंगे बताओ। तो ये चीज ये चाहते हैं ना, लोगों को समझ आ रही है, तभी तो वोट परसेंटेज कम हो रहा है ना। इलेक्शन कमीशन को रूल बनाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को रूल बनाना चाहिए, गठबंधन इलेक्शन से पहले हो, इलेक्शन के बाद वाला गठबंधन को माने ना, वो गठबंधन सिर्फ उस सत्ता तक वो स्पष्ट दिखता है कि ये मतलब भी गठबंधन हो रहा है ये तो जी 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 हाँ ये स्पष्ट दिख रहा है। फिर आवाम कहां गई ये तो बता दीजिए, ये हॉरिबल चीजें हैं, इसको बैठकर सोचना पड़ेगा। चलो खैर फिर मैं क्योंकि पार्टी समय, समय बहुत लंबा निकल जाता है, हम हरियाणा पे बात करते हैं, सिर्फ एक सवाल करूंगा और उसके बाद क्योंकि जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताइए, हरियाणा में जो गठबंधन हो रहे हैं इस समय विधानसभा चुनाव के लिए, किस पार्टी की जो रणनीति है वो ज्यादा अच्छी रहेगी? देखो रणनीति की बात अगर करो, इसमें मैं आपको बातें ऐसे बताऊंगा, विश्लेषण है मेरा, मैं दर्शकों को कह रहा हूं विश्लेषण है, ये हो सकता है नहीं भी हो सकता जी, लेकिन हम दावा नहीं कर रहे। अब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकली जी, इतने लोग चले गए, संगठित है संगठन, उसके बाद क्यों चले गए, क्यों चले गए? ये मैंने पिछले एपिसोड में मेरी डॉक्टर अपने मिस्टर सतीश मेहरा के साथ डिस्कशन थी, लोग क्यों चले, मैंने सवाल किया था इतने लोग क्यों चले कि भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूं, आप मेरे सवाल पे रहिएगा वहीं पे, उसी का जवाब दीजिएगा, मैं उसे बता रहा हूं। पिछले दिनों मेरी सतीश मेहरा जी से डिस्कशन हुई तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बड़ा मजबूत माना जाता था, वो बड़ा स्ट्रांग माना जाता था। हाँ जी, वो कहते थे कि उनकी विचारधारा जो है वो एक है, वो टूटते नहीं है जल्दी से, चाहे अंदर कुछ भी चलता रहे, लेकिन पर पहली लिस्ट आते ही एकदम से चेंज आया, इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफों की झड़ी लगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पहले वाली चीजें या पहले वाली भारतीय जनता पार्टी या पहले वाले कार्यकर्ता शायद वो नहीं रहे हैं। नहीं, आपकी मैं बात बताता हूं, अब आप अब तो युद्ध है। आपको मैं अच्छी तरह बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी पर ही आऊंगा मैं, कांग्रेस बाद में, पहले मैं दोनों की रणनीति की बात करूंगा, दोनों को एनालाइज करूंगा ना, अब मेरी मर्जी है, पहले कांग्रेस को पकड़ूंगा या बीजेपी को पकड़ूंगा। बट ऑब्वियस है, देखो दर्शकों से फिर मैं अपील करना चाहूंगा कि ये जो हम लोग यहाँ बात करते हैं ये हमारा विश्लेषण है, हमारी एक एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, ये कहीं कुछ भी इसका प्रमाण नहीं है कि ये चीजें ठीक होंगी और ऐसे ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए कांग्रेस की लिस्ट सिस्टम से निकल रही है, अब जो 8 सीटें दे रहे हैं, हॉरिबल पिशन उधर है, उधर दिख नहीं रहा, इधर दिख गया जो दिखाना चाहते थे, इधर दिख नहीं रहा, इधर क्या होगा? कांग्रेस में मारा मारी पड़ी है, नो डाउट कांग्रेस की वेव चल रही है, आज कह रहा हूं वेव चल रही है, मिटा रहा हूं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से बाढ़ आ गई, आपके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से बोलिए आपके हिसाब से इस समय हरियाणा की बात करें या पूरे देश की बात? नहीं, देश को छोड़ दो, हरियाणा की बात, हरियाणा में कांग्रेस की वेव है आपके हिसाब से, तो वेव जब चलती है तो वेव तो फिर क्लीन स्वीप कर जाती है? नहीं, यही तो क्लेश है। अच्छा, चलो कैसे, वेव आ गया पानी, पानी भरना तो उन्होंने है बाल्टियों में, अच्छा पानी तो आ गया, ठीक है, अब वोटिंग उन्होंने कैप्चर करनी है, वोटिंग कैप्चर में जो कर गया उसकी वेव होगी। सुनो कैसे, हरियाणा में लिस्टें निकली, विद्रोह होगा तभी रुके हुए हैं, क्या मारो मारी पड़ी आप देखो दिल्ली जाके, लेकिन वो दिख नहीं रही, 2500 के करीब लोगों ने अप्लाई किया है टिकट के लिए 90 सीटों पे। अच्छा सुनो, मारो मारी पड़ गई,
अब जो 8 सीटें गई हैं वहां पर तो टोटली मारामारी पड़ेगी। जो 5-7 सीटें अलायंस में जा रही हैं, इनके अपने कैंडिडेट इतने हैं, उन 8 सीटों में मारा, ये तो एमएलए का कैंडिडेट जिसका नाम गया होगा, मेहनत के वो उसका पीछे बंदे वहां पर विद्रोह होगा। लेकिन कांग्रेस की रणनीति ये है कि हम जो लिस्ट है वो हम पूरी पिक्चर नामांकन की आखिरी डेट से 1-2 दिन पहले बताएं, लेकिन लोगों को ये लगे हमारे नेता भाग्य नहीं है, लेकिन भीतरघात भयंकर होगा वहां पर। भीतरघात तो हमेशा पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। अब आप ये बात समझे कि आप 8 जगह पर तो विद्रोह होगा ना, इसको मानते हो? कांग्रेस एक जगह पर, अच्छा कांग्रेस प्रॉब्लम क्या है, हर जिले में हर जगह पर दो दो ग्रुप बने हुए हैं। अगर आप, मैं आपको बताता हूं, दर्शकों को बताता हूं मैं क्यों कर रहा हूं कांग्रेस की वेव है, अब वो भी बताता हूं। अगर हम कांग्रेस को यूनाइट करके देखें कि शैलजा जी भी एक है, सुरजेवाला जी भी एक है, ये हुड्डा जी भी एक है, उसको देखें तो कांग्रेस की वेव बन रही है। लेकिन अगर बीच में समुद्र में जाए, वहां पर हो रही कुछ प्रोग्राम चल रहा है, और तीसरी तीसरी तीसरा रथ ये आ गए बीच में आम पर, वाले। पर आप मुझे एक चीज बताइए, आपको मैं इसी बात पे आता हूं। आप कहते हैं, जब मैं भी देखता हूं, पब्लिक भी देखती है, हाँ जी, कि हरियाणा की जो कांग्रेस है उसमें गुटबाजी है, वो गुटबाजी जिले स्तर पर भी है, वो गुटबाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्तर पर भी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट के लेवल पे भी नजर आती है। क्या वो गुटबाजी हाईकमान को नजर नहीं आती? अब सुनिए 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 सुनिए, क्या हाईकमान उस चीज को कहीं रिपेयर करने की कोशिश नहीं करेगा? हाईकमान को नजर आती है तो डेफिनेटली हाईकमान उन बड़े नेताओं को जो गुटबाजी हो रही है उनको बिठाकर एक करने की कोशिश भी कर सकता है, या इस रणनीति के तहत ये नहीं हो सकता? देखिए, ग्रुप निज्म कांग्रेस में सदियों से रहा, सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बन गए थे, याद है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर। गांधी जी ने कहा कि आप नेहरू जी को बना दो, बना दिए। जो प्रधानमंत्री बनना था उसमें पटेल जी का नंबर वोटिंग ज्यादा आई, आई ना, इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, हाँ जी मैं नहीं कह रहा, जी 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 जी, तो उसमें फिर नेहरू जी बने। बिल्कुल, उस समय से ग्रुपनिज्म चले, लेकिन उस समय ग्रुपनिज्म नेशन के लिए होता था, ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत ग्रुपनिज्म हॉरिबल होगा, चाहे पार्टी की जो मर्जी वे बन जाए, लोग दिखा देंगे, रैलियां हो जाएंगी, रश हो जाएगा पूरा, लोगों को पता चल जाएगा कि बनेगा, लेकिन ये ग्रुप निगम अति महत्वाकांक्षी है और पर्सनल लेवल पे चल रहा है। हाँ, ये हॉरिबल है। अब आप बता रहे थे, आपने बताया भी, हाँ कांग्रेस का बता दिया, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का, सुनिए ये विश्लेषण है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये बात मान लो, समझते हैं, विश्लेषण है। जो हम डेस्क पे बैठते हैं ना, तो हमें सबको एनालाइज करना चाहिए, जी जी, यही राजनीतिक विशेषज्ञ का काम होता है। और वैसे भी हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से पर्सनल बिल्कुल नहीं है, हम अब आपको बताता हूं, बीजेपी की लिस्ट से निकल गई, जी ऐसे हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं मैं, ऐसे हो सकता है, जी डॉक्टर, जी जी जी, बीजेपी की लिस्ट निकल गई, सारे लोगों के नाम कट गए, क्या पार्टी को यह नहीं पता कि इन लोगों के नाम कटेंगे विद्रोह होगा? बताइए जी जी, इतने जी, वो तो नहीं, कमजोर तो नहीं है, जी जी जी, आगे आगे चले गए, एक दिन में इतने इस्तीफे हो गए, ये हो गया, वो चला गया, एमएलए चले गए, दूसरे चले गए, ये वो पिक्चर थी जो बीजेपी दिखाना चाहती थी। अच्छा, अब मैं आपको जो बार बताऊंगा ना, मैं फिर कह रहा हूं तीसरी बार कि ये विश्लेषण है, इसको मानना मत बिल्कुल। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसको हम वो भी नहीं कह सकते कि बार पार्टी ये सोचती है, ये बीजेपी को पता है कि कांग्रेस की वेव चल रही है, ये सुनिए पता है, अब वो ये सोचते होंगे कि अगर हम नए लोगों को दे दें, जो हमारे पुराने लोग इंडिपेंडेंट खड़ जाएं, इंडिपेंडेंट, उससे जो एंटी इनकमेसी वोट साइड पर होगी, मुकाबले एक बंदा और आ गया, यहां पर 3 थे वहां पर 4 आ गए, ठीक है, और अगर मैक्सिमम अगर जीत के इंडिपेंडेंट आ गए हमारे नेता, तो बाद में किसके साथ मिलेंगे इंडिपेंडेंट? और ऐसे ही गोवा में हुआ था, यही एज इट इज पोजीशन गोवा में हुई 2022 के अंदर, वहां भी यही क्लेश पड़ा था, वहां पर भी इंडिपेंडेंट खड़ गए और सरकार बनाते हुए वो बाद में बीच में आ गए समर्थन कर दिया। देखिए, यहां तक ये भी रणनीति हो सकती है कि बीजेपी की, मैं आपके साथ सहमत हो जाता, ठीक कह रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूं इस चीज से कि चलो वहां पे ऐसा हुआ गोवा में, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं इस तरह से,
क्या उनकी इमेज जो है वो पब्लिक के बीच में या पार्टियों के बीच में सही रहती है? देखिए, आपने ये प्रश्न किया इमेज का, अब इमेज का सवाल तो रहा नहीं, आप एथिक्स भी बीच में इंक्लूड करना चाहते हो, साथ में राजनीतिक भी। बट ऑब्वियसली बात है, मेरा तो अल्टीमेटली देखिए मैं एक ही चीज पे फोकस बार बार करता हूं कि राजनीति एक ऐसी चीज है जो देश की सेवा के लिए शुरू की गई, देश की सेवा के लिए होती है, डेमोक्रेसी को लेकर ये चीजें शुरू हुई। आज जो राजनीति है वो सिर्फ सत्ता की, स्वार्थ की राजनीति रह गई है बस। तो आपने अभी कहा ना, जो आपने बात कही है अभी, देखिए जो वो अब सिर्फ मकसद ये है कि 46 का आंकड़ा पूरा करना दोनों पार्टियों के लिए, एथिक्स साइड पर, एथिक्स को भी इंक्लूड ना कीजिए, अगर करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, अब ये जो लोग जा रहे हैं जीतने के बाद, अगर झूठ पड़ी सेकंड वाला गठबंधन में तो इधर आएंगे। अब मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अगर एनएलओ को 8 सीटें आती हैं, एनएलओ उस समय कांग्रेस समर्थन करेगी? आप बताइए। नहीं, एनएलओ का तो इतिहास रहा है, वो हमेशा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया हमेशा। अब ऐसी स्थिति है कि लेकिन इसमें एक और मैं आपको बताता हूं बात, जहां पर इनेलो किया जाट वोटर्स की बात करते हैं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो जाट वोटर को अपनी तरफ खींच पाए। वो उसके मामले वहां पर कहीं ना कहीं अगर रंजीत सिंह चौटाला को ये टिकट दे देते या देवीलाल जी के पोते को टिकट दे देते ये वहां पे, तो शायद कहीं ना कहीं जो जाट वोटर्स है उनका भी तो साथ मिलता है। आप ये बात वही पिक्चर देख रहे हो जो दिखाना चाह रहे हैं, सभी लोग वो पिक्चर देख रहे हैं जो पार्टियां दिखाना चाह रही हैं जी, लेकिन उनके पीछे के मनसूबा वो नहीं देख रहे आप। जब वो बात आती है आप फिर कंफ्यूज कर देते हो, जाट वोट नहीं आता तो जाट वोट कटेगी तो सी ना, कटेगी तो सी, वो कटेगी नहीं बताइए आप मुझे, बिल्कुल कटेगी। अब कैसे कह सकते हो जाट वोट नहीं पोलराइज होगा? तो होगा। आप ये बताइए, हाँ मैं वहीं पे फिर से दोहरा जाते हैं कि ये बताइए, चलो जो नेशनल पार्टीज है वो अपने अपने हिसाब से समीकरण बैठा रही है, अब जो राष्ट्र यहाँ पे हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनेलो ने बसपा के साथ अलायंस किया है, दूसरी तरफ जेजेपी की बात करें उसने आज समाजवादी पार्टी जो चंद्रशेखर जी की पार्टी उसके साथ अलायंस किया है, इनका रोल कितना अहम हो सकता है? अहम तो डेमोक्रेसी में सबका रोल होगा जी, इस इलेक्शन में सभी का रोल होगा, ये मत सोचना। अगर कोई पार्टी एमएलए नहीं भी बना सकी ना, उसका भी रोल होगा, आपको बता दूं, क्योंकि ये जो गठबंधन है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये वो नैतिकता वाले नहीं रहे, ये 46 का बात सुनो, अगर चलो मान लो ये गठबंधन हो रहे हैं ठीक है, उसके बाद अगर झूठ पड़ती है इंडिपेंडेंट के अलावा, तो क्या जजपा समर्थन नहीं करेगी इसको बीजेपी का? क्यों करेगी? जजपा ने क्या दुष्यंत के साथ पहले क्या किया? किसने क्या बताइए? अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव से एकदम पहले अलायंस को तोड़ देना। मैंने ये क्या वो कर सकती है, मैंने ये नहीं कहा करेगी। हाँ। करेगी और कर सकती में फर्क है। नहीं, ये भी तो आप ये बताइए, तो आपने ये बात की, नहीं आपने अभी ये बात की कि उसके साथ क्या किया दुष्यंत के साथ, आप ये बताइए 2019 के इलेक्शन में दोनों ऑपोजिट खड़े थे, उसके बाद एक मिनट क्या प्यार पड़ गया, ये भी यहां भी प्रश्न आता है सवाल। तो राजनीति में सब ये चीजें ना वो कहते हैं ना वो अनुमान, लेकिन लेकिन यहाँ ऐसा लेकिन, भी तो लेकिन हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जेजेपी कांग्रेस को अलायंस कर दे। नहीं, मेरी बात सुनिए, हम हो सकता है कह रहे हैं ना, हमने ये तो नहीं कहा बीजेपी को समर्थन करेंगे, हमने ये नहीं कहा, हमने ऐसा हो सकता है। अब लेकिन एक बात पक्का है कि ये जो गठबंधन हो रहे हैं ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, जो इंटेलिजेंट वोटर है वो घरों से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, गठबंधन हो लेकिन पार्टी की नीतियों को साथ लेके चले। हाँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी पिछले कुछ समय पहले बताया कि जो ये गठबंधन जो है वो अगर तो चुनाव की तारीखें तय होने से पहले या चुनाव से रिजल्ट आने के बाद ना हो। हाँ, रिजल्ट आने के बाद, हाँ, चुनाव से पहले अगर ये गठबंधन होते हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये वोटर्स को लोगों को समझ आते हैं, उनका माइंडसेट समझ आता है। हाँ, लेकिन अगर चुनाव आने के बाद सत्ता के लिए जो गठबंधन होते हैं ये आम पब्लिक के लिए, आम वोटर्स के लिए कहीं घातक सिद्ध होते हैं।
और लोग फिर वोट नहीं डालेंगे, वोट और लोग वोट डालेंगे। हाँ, और उससे बट ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं जो हमारा वोटर है वो आज इतना एजुकेटेड है, इतना समझदार है, इन चीजों को समझता है कि आज उसने अगर किसी उसकी विचारधारा किसी ऐसी पार्टी से नहीं मिलती जिसके साथ उसके जो प्रतिनिधि है उसने उसके साथ अलायंस किया तो कहीं ना कहीं वो उसके साथ हर्ट होता है। देखो ऐसे बताइए, आप वोट डालने जाते हो तो आप ये चाहोगे कि मेरी वोट जहां मैंने डाली है जो जिस एम के तहत जिस पार्टी को डाली है उसका सदुपयोग हो। कोई वोटर ये नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का दुरुपयोग हो जाए। बिल्कुल, इसलिए ये चुनावियों के लिए भी ये गठबंधन चिंता का विषय है कि इससे स्वच्छ लोकतंत्र प्रदान नहीं हो रहा। हाँ, सो दोस्तों खैर डॉक्टर साहब ये बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, ज्यादा करेंगे। सो दोस्तों बात फिर वही आ जाती है कि गठबंधन होने चाहिए, हमेशा ही होते आए हैं। जब भी सत्ता की बात आई है, जब भी कहीं ना कहीं बहुमत सिद्ध करने की बात आई है तो गठबंधन हुए हैं, लेकिन ये गठबंधन इस हिसाब से होने चाहिए कि गठबंधन चुनाव से पहले तय होने चाहिए, वोटर भी कंफ्यूज ना हो। हाँ, वोटर भी कंफ्यूज ना हो और उसको भी लगे कि मेरी वोट का सदुपयोग हुआ है। नीतियां देखकर इसके लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए ताकि ये पार्टियां जो है वो चुनाव से पहले ये सब कुछ करें। हाँ, जिससे कि आम जो वोटर है वो कंफ्यूज ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो और जो वोट के प्रति उसका एक झुकाव है। हाँ, वो कम ना हो। खैर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में ये जो गठबंधन है वो क्या गुल खिलाते हैं, किसकी सरकार बनती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।